MIUI 11 को आए हुए अब तो बहुत दिन हो गए और अब तो थीम स्टोर पे इसके बहुत सारे थीम्स भी आ गए हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो MIUI 11 पे, क्योंकि पहले क्या था MIUI 10 के थीम्स थे जो MIUI 11 पे वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन अब MIUI 11 का ऑफिशियल थीम स्टोर पे देखने को मिल जा रहा है। लेकिन इतने सारे थीम्स आने के बावजूद भी लोग अभी भी एक थीम की तलाश में है जो है iOS वाला थीम, जो कि अभी थीम है। ऐसा नहीं है कि आपको थीम स्टोर पे थीम नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में MIUI 11 का, जब दो चार थीम आए थे तो उसमें भी एक दो iOS वाले थीम आए थे, लेकिन वो प्रॉपर iOS वाला फील आपको नहीं दे रहे थे जैसे आपको MIUI 10 में iOS बोस में जो थीम का नेम था उस वाले थीम में जैसा फील आपको मिलता था, वैसा फील आपको अदर MIUI 11 के iOS वाले थीम में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जाके एक थीम आ गया है जो आपके MIUI 11 डिवाइस में एकदम टोटली iOS वाला फील दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसके आइकन्स अलग हैं या स्टेटस बार नहीं मिल रहा है, आपको टोटली पूरा लुक iOS वाला उसमें देखने को मिल जा रहा है। तो वो थीम कौन सा है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉस इट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे थीम स्टोर से डाउनलोड करके अप्लाई कर भी लिया होगा अभी तक, और बहुत सारे लोगों को इस थीम के बारे में अभी नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता मैं उनको इस थीम का नाम बता देता हूं। तो जो थीम का नाम है वो है OS 13 डुअल DWM 4। इस नेम को आप सर्च करना थीम स्टोर पर, आपको ये थीम मिल जाएगा, और थीम मिल जाएगा तो आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो चूंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरीके का iOS वाला लुक आपके MIUI 11 डिवाइस में देखने को मिलता है। तो अप्लाई होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका नेविगेशन कीज था वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जा रहा है, जो काफी सिंपल में ही है जैसे स्टॉक में देखने को मिलता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका लुक चेंज हुआ है। जैसे आप देख सकते हो कि जो बीच में है वो पूरा यहाँ पे डार्क में है, साइड में आपको हल्का हल्का यहाँ पे आपको देखने को बस मिलता है और कुछ नहीं है नेविगेशन कीज में। और बाकी यहाँ पे अगर बात करें होम स्क्रीन की, तो बात करें होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो टोटली एकदम iOS की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साइड पे डबल क्लिक लिखा होगा, तो इस पर आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बस इसमें दो ही वॉलपेपर है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मुझे तो ये वाला वॉलपेपर काफी सही लग रहा है होम स्क्रीन पे, तो मैं यही यूज कर रहा था। और मैं बता दूं कि मैं इस थीम को लगभग 4 दिनों से यूज कर रहा हूं, काफी सही से वर्क कर रहा है। और यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपके जो ऐप के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके के एकदम iOS वाले देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आप ऐप यूज कर रहे हो वो सारे iOS वाले आइकन यहां पे चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो यहां पे जो कैमरे का आइकन था या चाहे जो ब्राउजर का आइकन था वो यहां पे सफारी ब्राउजर के आइकन से रिप्लेस हो गया है, एकदम टोटली आपको iOS वाला आइकन मिल जा रहा है, चाहे वो डायलर पैड हो चाहे मैसेज, मतलब जितने भी आइकन थे वो यहां पे टोटली आपको iOS वाले देखने को मिल जा रहा है। बात करें इस थीम के अदर स्टफ की, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डायलर पैड का इंटरफेस यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम iOS वाला एकदम यहाँ पे आपको डायलर मिल जाता है। जो MIUI 11 का स्टॉक डायलर था वो यहाँ पे पूरा टोटली रिप्लेस हो गया है iOS वाले डायलर से, तो पूरा यहाँ पे इसका लुक आप देख सकते हो पूरा चेंज हो गया है। मैसेज की बात करें तो मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैसेज का जो इंटरफेस है वो काफी सिंपल में ही iOS से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन जो नोटिफिकेशन पैनल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम iOS की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो टोटली यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको फील देगा, और पूरा जो लुक है वो एकदम iOS से इंस्पायर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो सबसे मुझे सही चीज लगा वो ये था कि इसका नेटवर्क आइकन और बैटरी आइकन एकदम टोटली iOS से मिलता जुलता आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप वाईफाई कनेक्ट कराते हो तो वाईफाई का आइकन भी एकदम सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें सेटिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेटिंग का इंटरफेस है वो एकदम टोटली iOS से इंस्पायर्ड देखने को मिल जा रहा है। जितने भी आइकन थे वो यहाँ पे, और जो पूरा इसका इंटरफेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम iOS की तरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन को अगर आपको इनेबल और डिसेबल करना हो तो उसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बटन यहाँ पे ऐड किया गया वो एकदम टोटली iOS वाला देखने को मिल जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि एकदम टोटली अभी तक बहुत सारे थीम्स थे MIUI 11 के iOS वाले, लेकिन ये जो थीम है ये मतलब पूरा टोटली आपको फील देगा। और बात करें अगर WhatsApp की थीम की, तो इसमें देख लेते हैं WhatsApp में थीम मिलता है या नहीं। तो इस वाले थीम में आपको WhatsApp थीम देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो WhatsApp का डिफॉल्ट लुक है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें इस थीम के मेन फीचर की, तो इस थीम में आपको मिल जाता है डुअल मोड का सपोर्ट। अब जिनको नहीं पता मैं उनको एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि डुअल मोड वो सपोर्ट है जैसे आप अपने डिवाइस में डार्क मोड को इनेबल करोगे तब भी वो थीम डार्क मोड में चेंज हो जाएगा, और जैसे आप उसे डिसेबल करोगे तो ऑटोमेटिक वो डे मोड में चेंज हो जाएगा। तो MIUI 11 में आपको सारे थीम आपको डुअल मोड में देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ ही थीम्स हैं जो डुअल मोड को सपोर्ट करते हैं, और जो डुअल मोड को सपोर्ट नहीं करते तो उनमें आप जैसे ही डार्क मोड को एक्टिवेट करोगे तो आपका जो थीम है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको डिसेबल करोगे तो आपको वो अपना थीम देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस थीम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डुअल मोड को सपोर्ट करता है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अगर यहाँ पे डार्क मोड को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँ, डार्क मोड को एक्टिवेट करते यहाँ पे आप देख सकते हो कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल के आइकन थे सेम है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका थीम था वो भी सेम है। डायलर पैड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायलर पैड iOS वाला ही है। इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो नंबर है उसके पे सर्कल वाला देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऊपर आप देख
सकते हो जो रिसेंट और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे उसी इंटरफेस में रखा गया है। और बाकी अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग का भी इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम टोटली iOS वाला ही देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये डुअल मोड को सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप जैसे डार्क मोड को एक्टिवेट करोगे तो आपका थीम डिफॉल्ट में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डार्क मोड को भी यूज कर सकते हो इस थीम में, और अगर आप नहीं यूज करना चाहते डे मोड में ही यूज करना चाहते हो तो डे मोड में ही यूज कर सकते हो। और इस थीम की अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन भी काफी आपको यहाँ पे एकदम iOS से इंस्पायर्ड देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा जो एकदम iOS की तरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे आपको कैमरा, यहाँ पे म्यूजिक और आपका जो म्यूजिक प्लेयर, जो भी आप म्यूजिक सुनोगे उसका कुछ इस तरीके का म्यूजिक का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे स्वाइप अप टू अनलॉक आएगा, जैसे कि आप स्वाइप अप करोगे तो आपका जो लॉक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप अपने लॉक को अनलॉक कर सकते हो। तो आई होप ये थीम आपको पसंद आई होगी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी iOS के काफी बड़े वाले फैन हैं या जो MIUI 11 के डिवाइस को यूज कर रहे हैं और थीम अप्लाई करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग टेक और कस्टमाइजेशन की वीडियोज के अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।